शहीद के सम्मान के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और शहीदों को पूरा मान सम्मान भाजपा सरकार के कार्यकाल में दिया जाएगा। ये बात पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत माकड़ी में अपने दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने शहीद विजय के नाम पर जहां पर गेट बनाने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, वहीं पर उन्होंने कहा कि स्कूल का नाम भी शीघ्र शहीद विजय के नाम पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शहीदों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जहां पर 20 लाख की राशि निर्धारित की गई है, वहीं पर उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे वह किसी भी आर्मी में अर्धसैनिक बल में हो, सैनिक हो, उसका हक बिना किसी भेदभाव से मिलेगा। इस मौके पर जहां पर उन्होंने शहीद के पिता को स्थापना दी कि जब भी कोई पहली गोली अगर किसी के सीने में लगती है तो वो हिमाचल प्रदेश का ही नौजवान होता है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें चाहे कोई भी इस ऑपरेशन में जो शहीद होगा और हम शहीद के परिवार का पूरा मान और सम्मान करेंगे, हम शहीद के उसकी शहादत के ऊपर उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए सरकार ने कहा है कि वो 20 लाख रुपए की राशि जो है उस शहीद परिवार को जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से अतिरिक्त रूप में जो है वो दी जाएगी। शहीद के परिवार में जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो रोजगार भी जो है वो सरकार जो है वो उसमें दे। पहले ऐसा होता था कि कोई आईटीबीपी वो सरकार नहीं करेगी, और इस करके हमने कहा कि कोई भी शहीद होगा चाहे वो आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, चाहे वो सीआरपीएफ में है, अगर वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है तो सरकार उसको पूरी सुविधाएं जो है वो एक शहीद के नाते जो है वो उपलब्ध, वो इस विषय को जो है वो कैबिनेट में लाएंगे और स्कूल का नाम जैसे आपने कहा है कि शहीद विजय जी के नाम से रखा जाए तो ये जो है वो हम उसको प्राथमिकता बताएंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि गेट बना करके बनाने का भी जो है वो हम जो है वो उसके लिए मैं 2 लाख रुपए जो है वो मैं उसके लिए जो है वो सर्कुलेट करता हूँ, और उसके लिए भी हम उस गेट बना करके जो है वो उसका नाम भी जो है वो शहीद के नाम से जो है वो रखेंगे। वहीं पर शहीद के पिता रणजीत सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा कुछ महीने पहले देश के लिए कुर्बान हुआ है, और आज जो प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर गेट बनाने और स्कूल का नामकरण विजय शहीद विजय के नाम पर किए जाने की घोषणा की है, उससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और वह सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। मेरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहीद हुआ है, उसके नाम पर गेट और स्कूल अपग्रेड होना चाहिए और सड़क जो है पक्की होनी चाहिए। तो सरकार ने यह घोषणा की है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा। सरकार ने यहाँ घोषणा की है ये सब कुछ उसके नाम होगा। क्या आशा व्यक्त करते हैं आप? मुझे बहुत खुशी है।